आज हमने देखना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट के बारे में हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का हिस्सा। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी किसी भी खास सिम्प में वेक्टर का क्या असर है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो टू डायमेंशनल वेक्टर होता है, हमारे पास एक्स वाई एक्सिस पे जो हम कोई सा भी वेक्टर बनाते हैं, इसका इन्फ्लुएंस, इसका असर दो एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस पे एक्स डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस पे। और वो हम कैसे बनाते हैं कि पॉइंट ए से इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे और इसी तरह वाई एक्सिस पे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसी तरह ये जो पॉइंट है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, इसको हम क्या कहेंगे? ए वाई या वाई कंपोनेंट ऑफ ए या इन्फ्लुएंस ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। वाई एक्सिस पे वेक्टर ए का क्या इफेक्ट है? ठीक है, और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को, यानी ए एक्स, ये ए एक्स है और ये ए वाई, इन दोनों को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करें, ये ए वाई है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ए आता है। यानी वेक्टर ए के ये दो हिस्से हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स ए एक्स आई हैट, यानी एक्स एक्सिस पे जो इन्फ्लुएंस है वेक्टर ए का, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, प्लस ए वाई जे हैट। और सिंस ये दोनों कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर और इसके कंपोनेंट्स में, इसको अगर हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो लेट्स से मेरे पास ये एक कार्ट है, इस पर किसी भी एक डायरेक्शन में कोई फोर्स लग गई है। ठीक है, और दूसरे केस में मेरे पास सेम कार्ट है और इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, और वो ऐसी लग रही हैं कि वो फोर्सेस, फोर्स एफ के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। कार्ट ए पर एक फोर्स लग रही है और कार्ट बी पर दो फोर्सेस लग रही हैं, दो डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, सच दैट इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है बाय हेड टू टेल रूल फोर्स एफ के इक्वल है। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कार्ट ए और कार्ट बी सेम फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रही हैं, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई फोर्स एफ के कंपोनेंट्स हैं। इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं। अगेन लेट्स से ये हमारे पास फिर x, y और ये वेक्टर a है। ठीक है, वेक्टर a पॉइंट a से प्रोजेक्शन x एक्सिस पे ड्रॉ किया, लेट्स से ये पॉइंट p है ये वाला, और पॉइंट a से y एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो ड्रॉ करें, इसको मैं पॉइंट q कहती हूँ, और ये पॉइंट r है, ये वेक्टर a है, ये पॉइंट r है ये वाला। ठीक है, अब OP जो है वो क्या है? AX, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन अगर मैं लगा दूँ तो ये आई हैट है। इसी तरह OQ जो है, या OR, क्योंकि OQ और OR सेम है, OQ इक्वल्स OR,
विच इज ए वाई, और सिंस ये वाई एक्सिस पे है तो ए वाई जे है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये ए एक्स, ये ए वाई जे है। बाय हेड टू टेल रूल ए एक्स और ए वाई मिल के वेक्टर ए बनाते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के। ये जो आपके पास ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर, ये 90 का एंगल। ठीक है, और लेट्स से कि ये जो वेक्टर ए है ये एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर में आप अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ये जानते होंगे कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस विच इज ओ पी ओवर ओ आर। या आप इसको कह लें ए एक्स ओवर ए। इसका मतलब है कि कॉस थीटा इज ए एक्स ओवर ए, या ए एक्स की वैल्यू जो है वो ए कॉस थीटा होती है। यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हमेशा किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा के। इसी तरह साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू भी आप ऐसी निकालें तो ये होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस विच इज पी आर ओवर ओ आर, जो कि हमारे पास बनता है ए वाई ओवर ए। अगेन ए वाई इक्वल्स ए साइन थीटा। यानी क्वांटिटेटिवली वेक्टर ए कंपोनेंट्स की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और थीटा ये जो एंगल वेक्टर ए एक्स एक्स के साथ बना रहा है। ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए साइन थीटा, और ये हमारे पास जो रेशियोज आती हैं ट्रिग्नोमेट्री से आती हैं। ये तो था कि अगर आपके पास वेक्टर गिवन है तो उसके मैग्नीट्यूड और उसके एंगल थीटा से उसके कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। कन्वर्सली इसके बरक्स अगर आपके पास कंपोनेंट्स गिवन हो तो उससे आप वेक्टर भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, कि आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी आर इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल ओ पी आर ओ पी आर में आपको पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पैथागोरियन थ्योरम जो है कि ये जो लाइन है ओ आर स्क्वायर ये हमेशा इक्वल होगी ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ओ आर स्क्वायर इक्वल्स ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। और इसी फिगर से आप दोबारा देखें कि ये जो है ये ए है, ए स्क्वायर इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी अगर आपके पास कंपोनेंट्स गिवन हो तो उनका स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल होता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के। और इसकी डायरेक्शन आपके पास कैसे आती है, दोबारा हम देखते हैं हमारी डायग्राम। इस एंगल का टैन जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन थीटा इक्वल्स पी आर ओवर ओ पी, टैन थीटा इक्वल्स पी आर ओवर ओ पी ए वाई
over ax, इसका मतलब है कि थीटा इक्वल्स टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स. ये जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए बाय इट्स कंपोनेंट्स, और ये जो है थीटा, ये आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग ए वाई एंड ए एक्स. ये तो था टू डायमेंशन में वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ करना और उनसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना. अब आपके पास यहाँ में थोड़ी सी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि थ्री डायमेंशन में वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ होते हैं. ये इसको लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें इनको लेबल करते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जी, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं. अब लेट्स से ये कोई सा वेक्टर ए है, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये वेक्टर ए. ठीक है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अब तीन होंगे. एक्स वाई, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है. ठीक है, एक्स वाई प्लेन में इसका कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट इसके एम पॉइंट से, लेट्स से ये ओ एम है वेक्टर ए की रिप्रेजेंटेशन, एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एक्स वाई प्लेन पे, जहाँ ये एक्स वाई प्लेन को मीट करता है उस पॉइंट से ये जो पॉइंट है आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स और वाई पे. ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो इस लाइन के पैरेलल होगा और ये परपेंडिकुलर जो इस लाइन के पैरेलल है. सो ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ए एक्स है और ये मेरे पास ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ए वाई है. ठीक है, और ए जी कैसे आएगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जी एक्सिस पे. तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ये मेरे पास ए जी है. ठीक है, और वेक्टर ए आपके पास क्या होगा फिर अल्टीमेटली, ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट, और इन तीनों का सम वेक्टर ए के इक्वल है विद देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस.